भाई सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है मुंब्रा के दरगाह गली रोड पर और यहां पर जो है कैंप का आयोजन किया गया है। आपको बता दें इस कैंप पे जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट और ज्येष्ठ नागरिक का सर्टिफिकेट जो है बनाकर दिया जा रहा है और भी कई ऐसे तरह के जो है सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर बनाए के दिए जा रहे हैं। और जो सर्टिफिकेट बनाने के प्रोसीजर है उसमें सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है और यहाँ पर सर्टिफिकेट जो है बनाकर दिए जा रहे हैं। जो सर्टिफिकेट बनाकर इस कैंप का जो आयोजन किए हैं वो नगर सेवक शानू पठान है। हम उन्हीं से बात करते हैं कि किस तरह का जो है सर्टिफिकेट इसमें बनाकर दिया जा रहा है, क्या सर्टिफिकेट बनाने के एवज में कुछ चार्ज वगैरह भी लिए जा रहे हैं या नहीं। जो सर्टिफिकेट यहाँ पर बनाकर देने की बात हो रही है यहाँ पर, तो क्या कुछ चार्ज वगैरह भी लिए जा रहे हैं क्या? देखिए, माननीय डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब के मार्गदर्शन में मैंने और शमीम खान साहब ने जहाँ भी कैंप लगाए वो फ्री ही लगाए। ऐसा ही तहसीलदार तरफ से ये जो कैंप लगा गया डोमिसाइल उत्पन्न दाखिला रहवासी दाखिला ये हम लोग ने फ्री लगाया 1800 लोगों को। अभी तक हमने हमारे ब्लॉक अध्यक्षों ने हमने विधानसभा कार्यालय से और मेरे कार्यालय से 1800 कूपन बांट दिए गए। उन सभी लोगों को इंशाल्लाह ताला फ्री में डोमिसाइल उत्पन्न दाखिला रहवासी दाखिला दे दिया जाएगा। कितने दिन ये कैंप का आयोजन? ये कैंप का जो कूपन है ये आज से 12 दिन से चालू है, लेकिन इनको 3 दिन के अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट इनको दे दिए जाएंगे। और सर्टिफिकेट कौन कौन से बनाए जा रहे हैं उसके बारे में? रहवासी दाखिला, उत्पन्न दाखिला, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और ज्येष्ठ नागरिक, ये सारे डॉक्यूमेंट्स तहसीलदार की ओर से हम सब इनको 3 दिन के अंदर बना के उनको दे देंगे। ऑनलाइन आपके सामने ये काम चालू है और हम जो कैंप है मुंब्रा कौसा के अंदर हर जगह हर एक से 2 महीने के अंदर मैं और शमीम खान राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस और पैरन कांग्रेस माननीय डॉक्टर जितेंद्र रावत के मार्गदर्शन में हमेशा लगाती है और ये सैयद अली भाई साहब की दुआओं से हमेशा कामयाब रहते हैं। बात ये भी सामने आ रही है कि जो 300 रुपया दे रहे हैं उनको कूपन आज दे दे रहे हैं, पहले जो नहीं दे रहे हैं उनको आगे बोल रहे हैं कल आना परसों आना, इसी बात सामने आ रही है। एक भी आदमी 300 रुपये का नाम भी यहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं है। हमारे कैमों में पैसे का कोई नामो निशान नहीं कर सकता। आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अध्यक्ष और हम लोग साहेब माल है, हमारी आवाम के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। देखिए, आज का ये जो कैंप हमारे भाई यूथ प्रेसिडेंट शानू पठान साहब और हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट और हम लोगों ने मिलकर के जो ये कैंप को आज आयोजित किया है, इसकी ज़रूरत थी क्योंकि अभी आगे कॉलेज है वहाँ एडमिशन्स है, आगे स्कूल है वहाँ एडमिशन्स है। इस तरीके से जो अभी कैंप शानू भाई और हम लोगों ने लगाया था विधानसभा कार्यालय के ऊपर, जो कैंप था मेडिकल का जिसको हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब के आदेश अनुसार और उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने उस कैंप को वहाँ आयोजित किया था, वहाँ पे 2865 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, उनको ट्रीटमेंट फ्री दिया गया। लेकिन वहाँ एक प्रॉब्लम्स आई थी इस्लामुद्दीन साहब, जो कि आज उन चीज़ों को देखते हुए शानू भाई और हम लोगों ने यह तय किया था कि आज का एक कैंप लगाएंगे। अगर ये डोमिसाइल और ये जो डॉक्यूमेंटेशन का काम अगर हमने उस कैंप के पहले किया होता तो शायद वहाँ लाभ मिलता 5000 लोगों को, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन की कमी होने के कारण, क्योंकि वो एक योजना थी जो जितेंद्र रावत साहब हमारे मिनिस्टर साहब के सपोर्ट से और कालशेखर के सपोर्ट से ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था, अगर ये उस टाइम हुआ होता तो और लोगों को फ़ायदा मिलता। इसके लिए ये योजना कालशेखर में अभी भी चल रही है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शानू भाई और हम लोगों ने इस कैंप को आयोजित किया है, जिससे जो लोगों को प्रॉब्लम्स हो, क्या होता है अगर कहीं पे कोई योजना में जाना है तो कहेंगे भाई राशन कार्ड लेकर के आओ, उत्पन्न दाखिला लेकर के आओ, ये डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं, इनकम सर्टिफिकेट लाओ, तो इन चीज़ों को देखते हुए कैंप को लगाया गया। आज लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह भाई 1800 लोगों को अब तक फॉर्म टोकन दिया जा चुका है। अभी रोता मैडम हमारी भाभी यहाँ पर आए हुए थे, उनके साथ हमारे महेश्वर भाई, जावेद शेख मेडिकल, साकिब दाते, जाहिद भाई राजपूत, मरजान, या हम लोग तमाम लोग घूम रहे थे, तो लोग ये कह रहे थे भाई हमको और कूपन दो। तो हमने उनसे कहा कि भाई आज 4 दिन से हमारे लोग आपको बुला बुला के कह रहे कूपन लेके जाओ, आप आकर के अपना फॉर्म भरो, तो आप कल तक नहीं आए। आज जो लोगों का पहला नंबर है, जिन लोगों ने फॉर्म ले लिया है, भर दिया है, उनका पहला हक बनता है। इसके बाद जैसे कि अभी शानू भाई ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों हमेशा फलाही काम को करने के लिए राष्ट्रवादी पार्टी के पूरी परिवार हम लोग जितेंद्र रावत साहब, सैयद अली असरफ भाई साहब के मार्गदर्शन में, हमारे अध्यक्ष आनंद प्राजे साहब के सपोर्ट से हम लोग हमेशा करने की कोशिश करते हैं। ये कैंप तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हम लोग तकरीबन 8-10 दिन से यहाँ पे टेबल लगे हुए हैं
ऑफिस में और काफ़ी लोग आए हैं, इसमें फॉर्म भर के दिया गया है और इसमें जो लोग आ रहे हैं जिसके फॉर्म में अगर कोई मिस्टेक्स भी है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उनको ऑफिस में बुला रहे हैं। जैसे अभी इतनी भीड़ हुई है और लोग इसको कुछ इससे समझ रहे हैं कि एनआरसी एनपीआर का है, तो ये एनआरसी एनपीआर के लिए नहीं है। ये ऑलरेडी हर 3 महीने में शानू पठान साहब और हम लोग सब मिलकर ये कैंप रखते हैं और सबके मार्गदर्शन में हर 3 महीने में ये कैंप रखा जाता है। तो इसमें कुछ लोग आए और अलहमदुल्ला जिसका कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है तो उनको ऑफिस में कल बुलाया गया सुबह 11 बजे। कोई भी डॉक्यूमेंट्स में कमी है, अगर उनके कोई भी डॉक्यूमेंट में कमी है तो उसको इंशाल्लाह पूरा करके उनका पूरा बना के दिया जाएगा। समुद्दीन भाई, पिछले 12 दिनों से इसका एडवर्टाइज चल रहा है बैनर के थ्रू, टोकन बांटे जा रहे हैं शानू भाई के ऑफिस पे और आज शाम 4:30 बजे तक ये कैंप चलेगा। जिन जिन लोगों का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा उनके डॉक्यूमेंट उनके सर्टिफिकेट देने की कोशिश करेंगे और जो बच जाएंगे उन लोगों को ऑफिस पे बुला रहे कि आप लोग ऑफिस पे आइए, ऑफिस पे आके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए और इंशाल्लाह बाद में जो है उनको बना के दिया जाएगा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।